हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील में अगर आप देखोगे तो बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आ रही हैं, लेकिन मेजर चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं कि ICICI डायरेक्ट की तरफ से भी बड़े टारगेट्स जो हैं वो यहाँ पर शेयर करे गए हैं। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिसमें क्वार्टर फोर के नंबर्स भी हैं जो कि मैं आपको इस शेयर करने वाले इस वीडियो के थ्रू, और प्लस हम यहाँ पे दो ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि कल के दिन आपको कॉर्पोरेट एक्शन जो है वो दिखाने वाले हैं, यानी कि डिविडेंड मिलने वाला है, साथ के साथ आपको स्प्लिट भी देखने को मिलेगा, वो भी कल के दिन। तो वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर जो टाटा स्टील का आज का मोमेंट रहा है वो कैसा रहा है। और टाटा स्टील में अगर आप देखते हो तो आज 107 रुपये के आसपास की जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली है, यानी कि अगर आप देखोगे तो एट पार जैसा सिनेरियो देखने को मिला है। अब शेयर में अगर आप देखते हो तो काफ़ी टाइम से एक ही सारी चीज़ें जो होती हैं वो नज़र आ रही हैं, जिसमें आपको पता चल रहा है कि जो मोमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं बन पाया। इवन अगर हम इसके 1 month, 3 month, 6 month या फिर थोड़ा और भी हायर साइड पे जाते हैं तो वहाँ भी अगर आप देखते हो तो जो रिटर्न्स हैं वो नहीं बन रहे। लेकिन फिर भी जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो टेक्निकल रिसर्चर हैं, वो सब कोई यहाँ पे जो रिकमेंड कर रहा है वो ये बोल रहा है कि आपको टाटा स्टील में जो है वो बाइंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो ओवरऑल चीज़ें हो रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश माहौल बनाती है। रिपोर्ट के थ्रू मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आखिर क्या क्या चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं और यहाँ से आपको फ़ायदा जो है वो कैसे मिल सकता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बताया गया है कि जिस अकॉर्डिंग जो डिमांड है वो इम्प्रूव हुई है, और जो डोमेस्टिक डिमांड इम्प्रूव हुई है उसकी वजह से ओवरऑल स्टील का जो माहौल बन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव बन रहा है, जिसमें अगर आप देखते हो तो टाटा स्टील और JSW जैसी जो कंपनीज़ हैं, बेहतरीन कंपनीज़ हैं अगर अपने सेगमेंट में आप देखते हो, तो इनका जो ओवरऑल व्यू पॉइंट बन रहा है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बन रहा है। जिसमें अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है कि क्वार्टर फोर के प्रोडक्ट प्रोडक्शन में अगर हम यहाँ पे देखें तो जो टाटा स्टील का कंसोलिडेटेड प्रोडक्शन है वो मार्जिनली इम्प्रूव होते हुए नज़र आया। वहीं JSW ने अगर आप देखोगे तो 13% का इंक्रीमेंट जो है वो दिखाया है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ पता चल रही होगी कि ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट है वो इनके जो पिछले क्वार्टर में नहीं हो पा रहा था, कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, वो सारी चीज़ें अब सही होते हुए नज़र आई हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि टाटा स्टील ने यहाँ पर करीबन जो ओवरऑल 7.59 मिलियन टन का जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो शो किया है, जिसकी वजह से आप देखो कि तो चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती नज़र आई हैं। आउटपुट भी अगर आप देखते हो तो 5% से इंक्रीज होके 5.15 MT पहुंच गया। कंसोलिडेटेड सेल्स वॉल्यूम जो अगर आप देखोगे तो क्या है, वो 3% डाउन जरूर रहा है, लेकिन हाँ ओवरऑल जो डिमांड है उसकी वजह से चीज़ें जो है वो सारी अच्छी नज़र आ रही है। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि जो टाटा स्टील का कंसोलिडेटेड आउटपुट है वो बताया गया है 30.45 MT, और जो सेल्स है वो भी करीबन मार्जिनली थोड़ी सी डाउन नज़र आती है, लेकिन हाँ इस साल अगर आप देखो इसने हाईएस्ट एवर एनुअल क्रूड स्टील प्रोडक्शन, जो मतलब अभी तक का सबसे ज़्यादा एनुअल प्रोडक्शन है, वो अचीव किया है करीबन 19.9 MT। इसकी ग्रोथ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे करीबन आपको 4% के आसपास की नज़र आती है, यानी कि हाईएस्ट एवर ग्रोथ है जो कि आपको कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि ओवरऑल जो माहौल था जो टाटा स्टील का पिछले क्वार्टर में ख़राब हुआ था वो हाँ इस बारी काफ़ी हद तक इम्प्रूव जो है वो होते हुए नज़र आया है। अब मैं आपको यहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रूड स्टील प्रोडक्शन कितना है, इन्होंने हाल ही में एक जो कंपनी है उसको एक्वायर किया था, जिसका नाम आपको शायद पता होगा अगर आप मेरे चैनल पे काफ़ी टाइम से हो गए, नीलाचल इस्पात निगम। तो अच्छी बात यह है कि इस कंपनी ने भी अपने जो ऑपरेशंस हैं वो स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ से क्या होगा कि शेयर में जो भी मोमेंटम था वो तो बना ही हुआ, लेकिन हाँ ये जो कंपनी है जिसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं उसका भी फ़ायदा जो है वो टाटा स्टील को मिलने वाला है,
और यहाँ से अगर आप देखोगे तो चीज़ें क्या होंगी, जो रुकी हुई चीज़ें थी या फिर चाइना की वजह से जो रेस्ट्रिक्शंस की वजह से दिक्कतें आ रही थी वो भी हट गई हैं। ओवरऑल जो है वो डोमेस्टिक जो आपको डिमांड देखने को मिल रही थी वो कम थी, लेकिन वो इस बारी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गई है। इनके MD & CEO का भी बयान निकल के आया है कि हाँ, जो चीज़ें पहले थी वो चैलेंजेस थे, वो काफ़ी हद तक अब इम्प्रूव हो चुके हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि जो ICC डायरेक्ट है उसने कुछ इसको कवर किया था हाल फिलहाल में। 108 रुपये के टारगेट दिए थे जो कि अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं। करीबन 107 रुपये और 70 पैसे के आसपास की तो आज की क्लोजिंग है, यानी कि जो टारगेट है वो काफ़ी हद तक तो अचीव हो ही गए। लेकिन हाँ, जैसे कि अगर आपको ये छोटे टारगेट लग रहे हो तो मैं आपको बता दूँ, मोतीलाल ओसवाल ने 124 रुपये के टारगेट दिए। साथ के साथ अगर आप देखते हो तो 120 रुपये से 125 रुपये के टारगेट बहुत सारे एनालिस्ट बता चुके हैं। प्लस लीलाधर की तरफ से ही, प्रभुदास लीलाधर का नाम सुना होगा, उन्होंने 118 रुपये के टारगेट दिया। यानी कि शॉर्ट टर्म का माहौल जो है वो टाटा स्टील का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आता है। और इससे आपको एक चीज़ भी पता चलेगी कि यहाँ से जो लॉन्ग टर्म का विज़न तो देखो टाटा स्टील का पता नहीं चलता है, क्योंकि मोमेंटम अप और डाउन होता रहता है। लेकिन हाँ, जो शॉर्ट टर्म का सिनेरियो वो काफ़ी ज़्यादा सही नज़र आ रहा है। इवन जो टारगेट्स हैं वो जो छोटे छोटे टारगेट्स हैं वो अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं, और चीज़ें यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सही होती हुई नज़र आ रही हैं। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से पोजीशन अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म का आपको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके देखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं अपने दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखाने वाले हैं। तो पहला स्टॉक निकल के आता है जिसका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कम्फर्ट इंटैक लिमिटेड। पिछले अगर हम 5 साल के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो बेहतरीन रिटर्न्स हैं 2100% के, और ये एक टाइम पे तो 1 रुपये से भी नीचे ट्रेड करता था, आज के टाइम पे अपने हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 सालों में भी अगर आप देखोगे इसके फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है, यानी कि अगर आप देखते हो तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया। लेकिन हाँ, फिर भी फाइनेंशियल उतने ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आते। कल है 13 अप्रैल, और कल यहाँ पे आपको इसका एग्जिट डेट नज़र आती है, इसके स्प्लिट की 1:10 का जो है वो स्प्लिट दे रही है कंपनी, जो कि कल कल भी अगर आप बाइंग कर लेते हो तो अगर आप डीमैट में शेयर्स होते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो स्प्लिट का फ़ायदा मिलेगा। फिर अगर हम बात करें तो अगला स्टॉक निकल के आता है जो कि आपको एक बड़ा डिविडेंड देने वाला है, कंपनी का नाम निकल के आता है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। अब इसके बारे में तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं है, फंडामेंटल्स आपको पता ही हैं, इसके फाइनेंशियल्स आपको पता ही हैं, सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। लेकिन हाँ, जो शेयर है वो आपको यहाँ पे 72 रुपये, 72 रुपीज़ का जो डिविडेंड है वो देने वाला है, बहुत बड़ा डिविडेंड है। लेकिन हाँ, शेयर प्राइस भी ज़्यादा है, लेकिन एक अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। लॉन्ग टर्म में आपको ये डिविडेंड पेइंग कंपनीज में से नज़र आती है। एक्सटेड इसकी भी 13 की ही निकल के आती है, तो इससे पहले पहले भी अगर आप पोजीशन बना लेते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको 72 रुपीज़ का जो डिविडेंड मिल जाएगा। कमेंट में आप बताइए इन दोनों स्टॉक में से क्या आपने कोई भी पोजीशन बनाई हुई है, या फिर शेयर आपने बाइंग किए हुए हैं, या फिर नहीं। बाकी टाटा स्टील पर आपका क्या व्यू पॉइंट है वो भी आप शेयर करिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सो डैट मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा सा इंक्रीज़ हो। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।